वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ शैतानी आंटी, आई मीन स्केरी टीचर, सॉरी. मुझे उसको अलग अलग नामों से बुलाना बहुत अच्छा लगता है. और आज हम धड़ाम ते धड़ूम करने वाले हैं और स्केरी टीचर की बैंड बजाने वाले हैं, बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हैं. मेरे साथ हो आप अगर आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी स्केरी टीचर और भी प्रैंक्स आते रहे. इस वीडियो पे 70K का टारगेट रखते हैं और कॉमेंट्स में बस हैशटैग शैतानी आंटी कर दो यार स्पैम. लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑलराइट गाइस, तो मिस्टी बनने वाली है स्नूकर चैंपियन. अबे यार, ये तो गली क्रिकेट नहीं खेल सकती है, यहाँ पे बैठ के ओलंपिक्स में ये चैंपियनशिप खेलेगी. बहुत बढ़िया यार. ओ देखो, ये इसके तरीके हैं, ये ऐसे बनेगी चैंपियन. आज इसको ना देखो, मैं अच्छे से चैंपियन बनाती हूँ. इसका स्नूकर का ना पूरा भूत निकालती हूँ. भूत भविष्य वर्तमान बदलेंगे. ये देखो 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 भाई. ओके गाइस, इट्स टाइम, हमें रून करना है मिस्टी का पूल गेम. और भाई बंदी सही फिटनेस एक्सपर्ट हो रही है. थैंक्स मिस्टी, मुझे भी तुझे देख के इंस्पिरेशन आती है. पहले तो हमने ये उठा लिया टोकरी. इस टोकरी के अंदर आज हमें कैद करना है एक सांप को. ओके गाइस, चलो चलो चलो, देखिए सांप आए हैं. पर हमें सांप से पहले उसकी बीन भी तो चाहिए. पता नहीं कहाँ है, कौन से दरवाजे के अंदर मिलेगी. मैं नागिन डांस नचना. ओके गाइस, मुझे फाइनली मिल गया बीन. अभी मैं बीन बजाऊंगी. बचपन से मुझे बड़ा शौक था, वो गाने आते थे ना नागिन वाले, मेरे को लगता था मैं भी बीन बजाऊंगी. एक दिन मैं एक सांप को कैद करूंगी. चलो, मेरा आज ये सपना मिस्टी पूरा करने वाली है. लेके चलते हैं हमारी टोकरी और ये एक बीन. और वही सांप कितना स्कैरी है, बिल्कुल स्कैरी टीचर की तरह स्कैरी है. चलो गाइस, बीन बजाते हैं. बीन बजा के इसको कैद करते हैं. ओ देखो, बता रहे आ गया सांप हमारी कैद में. अभी ये मेरा गुलाम है. चलो सांप को लेके चलते हैं और मिस्टी की ऐसी की तैसी करते हैं. बहुत मजा आने वाला है. मिस्टी में प्रैंक करने में किस किस को बहुत मजा आता है मुझे जरूर कमेंट्स में बताना. और आप कौन से लेवल पे पहुंच गए मेरे साथ खेलते खेलते, ये भी बताना. एनीवे, अभी हमें इस सांप को छुपाना है, कैमोफ्लॉज करना है, ताकि मिस्टी हमें पकड़ ना ले और हमारा प्रैंक फेल ना हो जाए. एंड लेके चलते हैं इसको अंदर अंदर. हमें कुछ ऐसी चीज फाइंड करनी है जिससे स्नेक जो है स्टिफ हो जाए. ओके, फाइनली हमें मिल गया है स्प्रे और इससे हम स्प्रे करके कर देंगे स्नेक को स्टिफ. ओके, आधा काम हो चुका है. इतना गंदा क्लमजी सांप है, मेरे से तो मेरे को आई हेट स्नेक्स. मुझे बहुत बड़ा फियर है स्नेक्स का यार. मिस्टी को परेशान करने के लिए इस फियर को भी मैं पार करने को तैयार हूँ. लेट्स रन गाइस, लेट्स रन, बिकॉज इससे पहले कि आ जाए मिस्टी, हमें उसकी पूल की स्टिक को चेंज करना है स्नेक से. एंड हमने कर दिया है स्नेक को इससे चेंज. और अब हमें भागना है इससे पहले कि मिस्टी आ जाए. बहुत मजा आने वाला है. मिस्टी क्या जैसी तैसी होने वाली है. ओके, आ गई. कह रही है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है. ओ भाई, सांप ने अटैक कर दिया. मिस्टी डंडे मार रही है सांप को. ओ भाई, मिस्टी के सिर में फंस गया सांप. ओ भाग, थोड़ा भाग सांप. मिस्टी की ऐसी की तैसी हो गई गाइस. ओके, ये प्रैंक तुम्हारे रहा सक्सेसफुल. अब नेक्स्ट प्रैंक की तरफ चलते हैं. तो मिस्टी ने अपने घर के अंदर एक माइम आर्टिस्ट को कैप्चर कर लिया है. देखो ये कितना क्यूट है, इसको कितनी क्यूट क्यूट चीजें करके दिखा रहा है और मिस्टी कितना एंजॉय भी कर रही है. वाओ, वेरी नाइस. ये देखो कितना एंजॉय कर रही है. और भाई, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो पक्का खुराफाती कुछ खुराफात चल रही है इसके दिमाग में. देखो, ले गई उसको अंदर, उसके मुंह के ऊपर ऐसे दरवाजा बंद कर दिया. यार ये कितनी क्रूअल हो चुकी है, उसको अड़ंगी दे दी. मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है. और उसको बंद कर दिया. और देखो, चाबी उसने नाली में फेंक दी. मैं इसको नहीं छोड़ूंगी गाइस, इसने बहुत बुरा करा है. इसको अपने ये तरीके सुधारने पड़ेंगे. मुझे रेस्क्यू करना है माइम आर्टिस्ट को. बट मैं सच्ची बता रही हूँ यार, ये मिस्टी को अपने तरीके सुधारने पड़ेंगे. नहीं तो मिस्टी, मैं तेरा इतना बुरा हाल करूंगी, तू रोएगी पछताएगी, हथ कनानू लाएगी. ओके गाइस, यहाँ पे पड़े हैं बहुत सारे प्लास और मुझे नहीं पता इसमें से कौन से प्लास मेरे काम के. ऐसा करती हूँ सारे ही उठा लेती हूँ. ओके, दो प्लास मेरे पास आ चुके हैं एंड ये वाला प्लास भी उठा लेते हैं. एंड फाइनली मेरे पास सारे प्लास है, लेके चलते हैं इनको. मिस्टी, तूने जो आज एक माइम आर्टिस्ट के साथ किया है ना, हर एक आर्टिस्ट की इंसल्ट है. मैं तुझे माफ नहीं करूंगी, तूने हम सारे लोगों की इंसल्ट करी है. यार ये टीचर हो भी कैसे सकती है यार, ये ऐसे इतने अत्याचार किसी पे कैसे कर सकती है. एनीवे गाइस, इस अलमीरा के अंदर तो कुछ नहीं है, मुझे एक हैंगर की तलाश है. नहीं, इस अलमीरा के अंदर भी कुछ नहीं है, इस अलमीरा के अंदर भी कुछ नहीं है. अरे ये रहा हैंगर. लेट्स टेक दिस हैंगर एंड
आ जा यार हाथ में, क्या हो गया ये, इससे कट क्यों नहीं रहा? आई थिंक यार मेरे को एक और किसी प्लास की जरूरत है, तो इनमें से किसी से भी नहीं कट रहा। लेट्स गो और फाइंड आउट करते हैं। ये देखो यहीं पे मिल गया मेरे को ये प्लास, इसको उठाते हैं और देखते हैं क्या इससे हमारा हैंगर कटेगा। हमें उसे हुक बनाना है, हमें एक हैंगर को हुक बनाना है ताकि हम माइम आर्टिस्ट को फ्री करा सकें। अरे मैं क्या कर रही हूँ, मुझसे बार बार ये चीज़ें गिर क्यों रही हैं? अभी सारी उठा के लेके जानी पड़ेगी इससे पहले कि मिस आ जाए और मेरा सारा का सारा प्लान कबाड़ कर दे। चलो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं और हैंगर को कट करने की कोशिश करते हैं। यार मैं कन्फ्यूज हो गई हूँ, कहाँ से आई थी, खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बट आए कहाँ से थे हम? ओके ये रहा ये रहा ये रहा रूम, एंड लेट्स ट्राई कि अब हमसे ये हैंगर कट जाए। कट जाए यार, कट गया कट गया कट गया, फाइनली हुक बन गया और हुक हमारे हाथ में आ गया है। अभी हम इसकी को नहीं छोड़ेंगे, अभी हमारे पास सब कुछ है। लेट्स टेक दिस और नाली के अंदर से निकालते हैं चाबी। फाइनली चाबी आ गई मेरे हाथ में और हम जाएंगे अब माइम आर्टिस्ट के रूम का अनलॉक करने। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो गाइस, अभी तो बीच में कोई नहीं आ सकता हमारे। फाइनली इस लॉक को खोलते हैं एंड नीचे से माइम आर्टिस्ट को निकालते हैं। कहाँ पे छुप के बैठा है, वेयर आर यू मिस्टर माइम आर्टिस्ट, कहाँ हो? ये देखो बेचारा कितना ऐसे उसको कब्जे में कर रखा है। चलो मैंने इसके कट कर दिए एंड माइम आर्टिस्ट को हमने फ्री करा लिया है। चलो बच्चे भागो 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 इससे पहले कि वो गंदी शैतानी बुढ़ी आ जाए। चलो भागो, आओ आजा आजा, अरे आजा रे। अरे यार ये आता क्यों नहीं अभी मेरे पीछे तो, अरे इसके आने के बजाय ये आ गई मेरे पीछे, शैतानी आंटी आ गई। भागो रे भागो 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 भागो, ये मेरा प्रैंक खराब कर देगी। अरे रुक जा, कितना भागेगी, आजकल एक्सरसाइज भी इतनी ज्यादा कर रही है ना ताकि मेरा पीछा कर सके। इसको सब समझ आ गया है, जब तक ये ऐसी एक्सरसाइज करती रहेगी तभी तो मेरे पीछे भागेगी। देखो माइम आर्टिस्ट इसके पीछे पीछे चल रहा है। ओ मिस्टी इधर क्या कर रही है, कह रही है मेरे पीछे ये माइम आर्टिस्ट कहाँ से आ गया? भागा माइम आर्टिस्ट, भागा भागा भागा। मिस्टी की हालत खराब, के फायर कैसे आ गया? देखो चूहे बिल्ली का खेल चल रहे हैं, पे टॉम एंड जेरी चल रहे हैं। कितना गुस्सा रे मिस्टी को, आंखें लाल हो गई और भागते भागते उसने रियलाइज नहीं करा कि उसके पैर पानी के अंदर। सीजन स्विमिंग पूल एंड जेरी टीचर की बजा रही अपने पैर। ओके गाइस मिस्टी का इतना खुराफाती दिमाग है, कह रही है बच्चों को पपेट बना दूंगी, बच्चों को पपेट बनाएगी, आज मैं इसको पपेट बना के दिखाऊंगी। ये देखो फ्रांसिस लगा हुआ है इसकी नौकरी करने, इसको एंटरटेन कर रहा है। और देखो यहाँ पे कौन है इसका पपेट, स्केरी रॉबर। यार ये तो मतलब तूफान हो चुके, हक्के से हंस रही है, छलांगे मार मार के। तुम देखो मिस्टी, तुम्हें आज मैं पपेट बनाती हूँ तुम्हारा, मैं क्या हाल करती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मिस्टी तेरे को, बच्चों को तू पपेट बनाएगी। लेट्स गो गाइस, हमें इसको हिप्नोटाइज करना है। वैसे भी आजकल नहीं हिप्नोटाइज वाली चीजें सुन सुन के मेरे को बड़ा मजा आ रहा है। कल मैंने ना नेटफ्लिक्स पे क्या मस्त मूवी देखी है, हिप्नोटाइज, तब से मेरे दिमाग में हिप्नोटाइज चल रहा है। चलो ऐसा करते हैं, अब चलते हैं और मिस्टी को हिप्नोटाइज करते हैं। ये चिल कर रही है साइड में, देखो स्विमिंग पूल में, वो भी जूते पहन के। ये मुझे मिली ग्लू, इसको उठाते हैं। ये मतलब क्या बंदी है यार, क्या चाहती क्या है अपनी जिंदगी से, बस चिल करना चाहती है। ये चाहती है कि इसको सब एंटरटेन करते रहें, ये बोर नहीं होनी चाहिए। अकेले रहती है, फ्रांसिस को कहती है बस मेरे लिए कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट का काम करते रहा करो। यहाँ से मिल गई मुझे ये हिप्नोसिस की सीडी। अभी देख तू मिस्टी, आज देखो ऐसा हिप्नोटाइज करूंगी ना पूरे दिन यही गाना गाएगी, ब्लू आईज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैंने। ओके गाइस यहाँ से हमें और भी चीजें ढूंढनी है। ये मिल गया हमें वुडन प्लैंक्स, इनको उठा लेते हैं। और हमें चाहिए ये यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स पड़े हैं ये। तो फाइनली हमारे पास सारी चीजें हैं मिस्टी को प्रैंक करने के लिए। अभी मिस्टी का पैंतरा उसी के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अभी ये जो जो करेगी ना बच्चों के साथ, हम इसके ऊपर उल्टा रिवर्स करते रहेंगे। सो लेट्स टेक एवरीथिंग और इसका बुरा हाल करते हैं। या आ ना जाए, देखो जंप मारी मैंने, अंदर चलते हैं एंड ये बियर ट्रैप को साइड करो, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये लिपस्टिक गिर गई यार मेरी, हट यार बियर ट्रैप। ओके ये उठा ली हमने स्ट्रिंग फिर से और चलते हैं अंदर उसकी शैतानी नजरों से बचते बचाते। शैतानी आंटी यहाँ पे लगाते हैं हम इसका ये पूरा सेटअप। तेरी बजाएंगे घंटी, ऑलराइट हमने इस वुडन स्टिक को प्लैंक को इससे ग्लू से कर दिया यहाँ पे टेप, एक और वुडन स्टिक लगाई एंड अब फाइनली इसके ऊपर हम लगाने वाले हैं स्ट्रिंग्स एंड अब प्ले करेंगे ये सीडी। बहुत मजा आने वाला है, अब भागते हैं, भागो 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 रे भागो। मिस्टी होने वाली है हिप्नोटाइज, देखेगी सारी।
परेशान होने वाली है, हमें इसकी बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे आगे, ओ भाई लग गया, मेरा जादू काम कर गया, जीभ बाहर आ गई मिस्टी की। ओए होए होए, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो। एंड फाइनली आज के लिए आई थिंक हमने मिस्टी को बहुत परेशान कर दिया गाइस। इतना मतलब ठीक है वो परेशान करती है बच्चों को, बट मैं उसके जैसी विशियस और नेगेटिव नहीं हो सकती। एंड ऐसा करते हैं अगली बार कर लेंगे और मिस्टी पे प्रैंक्स। अगर इस वीडियो पे आते 70 के लाइक्स तो जल्दी से आएगा अगला पार्ट। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू अ चैनल एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।